मुकेश सहनी के पशुपालन और मत्स्य मंत्रालय में से लगभग करोड़ों का घोटाला हुआ। ये मुंबई के एक स्पेशल टीम को लाए हैं जो मतलब चोरी करो और सबूत मिटा दो। ये कहते हैं कि मलाह के नेता है, ये मलाह के नेता थोड़ी कहते हैं मलाह के खून है। हम लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी इनके DNA का जांच करें कि मलाह है कि नहीं है। मलाह जुबान के बहुत पक्के होते हैं। मुकेश सहनी के संपत्ति का जाँच कर लिया जाए, इसे पता चल जाएगा कितना बड़ा खेला वो कर चुके हैं। मुकेश सहनी जी को जेल जाना पड़ जाएगा इस केस में। बिहार में 16 सालों से नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर विराजमान है और लगातार सुशासन का दावा भी किया जाता है, लेकिन आज हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता और VIP पार्टी से ताल्लुक भी रखते हैं विकास बॉक्सर यादव जी है। उन्होंने बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ आरोप है उनसे बात करेंगे। विकास जी पहले तो आपका स्वागत है। VIP से आप ताल्लुक भी रखते हैं, लगातार छात्र के जो भी आवाज़ है, छात्र की जो समस्या उसे उठाने का काम करते हैं, लेकिन बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी, क्या कुछ आरोप आप लगा रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए मामला यहाँ पर साफ है कि इनके रीजन में एक साल के मंत्रिमंडल में मुकेश सहनी के पशुपालन और मत्स्य मंत्रालय में से लगभग करोड़ों का घोटाला हुआ। करोड़ों का जितना भी ट्रांसफर पोस्टिंग किया गया इनके द्वारा इन एक सालों में जितना भी ट्रांसफर पोस्टिंग किया गया इनके द्वारा उसमें करोड़ों का धांधली है। अगर सही तरीके से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर जांच कर लेंगे तो चारा घोटाले से बड़ा घोटाला करके बैठे हुए हैं। ये मुंबई के एक स्पेशल टीम को लाए हैं जो मतलब चोरी करो और सबूत मिटा दो। इनके पास जाइएगा तो अभिमन्यु नाम का आदमी है और इनके पास जाएगा सबसे पहले आपको टोकन कटाना पड़ेगा गेट पर। आपसे पूछा जाएगा कि आप किस लिए आए हैं, तो आप बताइए कि हमको ट्रांसफर पोस्टिंग का काम है, चाहे फलना पैरवी करना है, तो हर काम का वहाँ पर चार्ज है। अगर आपको दरोगा जी को फ़ोन करवाना है किसी मैटर के लिए तो आपसे पहले चार्ज लिया जाएगा, 500 रुपये चार्ज है, 1000 चार्ज है, तब मंत्री जी आपको फ़ोन करेंगे, वरना नहीं करने वाले हैं। लेकिन जिस प्रकार से आप आरोप लगा रहे हैं, आप उनके पार्टी के आरोप नहीं लगा रहे, ये सिद्ध है। ये 109 लोगों का जो लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए 109 लोगों का जो लिस्ट है, अगर इस पर सही तरीके अगर जाँच कर दिया जाएगा ना तो करोड़ों का घोटाला है इसमें। पशु विभाग, देखिए पशु विभाग में जैसे मान के चलिए कोई बांका में पोस्टेड है, नालंदा में पोस्टेड है, मधुबनी में पोस्टेड है, उसका ट्रांसफर किया गया पटना, किसी का किया गया सहरसा, किसी का किया गया सुपौल, किसी का क्लर्क से सीधा अधिकारी बना दिया गया। सारा खेल मुकेश सहनी का है। उनके जो इर्द गिर्द जो मुंबई के जो लोग रहते हैं ये कहते हैं कि मलाह के नेता है, यह मलाह के नेता थोड़ी इनके अंदर मलाह के खून है, कुछ खून नहीं है। इनके DNA पहले सुनिए, इनके DNA का पहले जांच किया जाए बिहार सरकार के द्वारा। हम लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी इनके DNA का जांच करें कि मलाह है कि नहीं है। मलाह जुबान के बहुत पक्के होते हैं लेकिन ये बहुत कच्चे हैं। आज इनको RSS और BJP का विचारधारा पसंद आ रहा है, कल तक इनको RJD पसंद आ रहा था, अब देख रहे हैं कि सत्ता जाने वाला है, 4 महीने के MLC है, मंत्री रहेंगे, कूपन खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद फिर RJD के दामन भीख मिल जाएगा कुर्सी, तो फिर जाके जात को अपना भंजाएंगे, ये सोच के बैठे हुए हैं। लेकिन ये तमाम जो आप लिस्ट दिखा रहे हैं 109 लोगों का जी, 109 लोगों का ये तो ये झांकी है, ये भी झांकी है, पिक्चर भी बाकी है, ठीक ना, ये भी झांकी है। सबसे किसी से 4 लाख, किसी से 5 लाख, किसी से 2.5 लाख, किसी से 6 लाख, जैसा पोस्ट वैसा बड़ा खुलासा कर रहे हैं, बड़ा खुलासा है और ये है सच्चाई है। अच्छा, आप उनके, ये हम उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अब भले आप हमको निकाल दे आज के बाद हम नहीं कर सकते, लेकिन अभी हम हैं और इसका घोटाला हुआ है जिसका प्रमाण हम दे रहे हैं। घोटाले की तमाम जो लिस्ट आप दिखा रहे हैं ये कब आपको पता चला, ये तमाम चीज़ें? ये हमको निकालना पड़ा वहाँ से, हम तो वहाँ 2 साल से साथ में रहते हैं मुकेश सहनी जी के, हमको तो पता है क्या करप्शन होता है नहीं होता है। ये कब पता चला कि ये हमको 2-3 महीने पहले पता चला, 2 महीना। हाँ, जिन जिन से इन्होंने पैसा लिया था सबके बारे में हम जानते हैं, किसी से 2.5 लाख, किसी से 4 लाख। ये लिस्ट के अलावा और भी कुछ आपके पास? आज भी बहुत प्रमाण है, अभी हम देखना चाहते हैं मुकेश सहनी जी मेरे साथ क्या करते हैं। हम तो चाहते हैं हमको पार्टी से वो निकाल के हमको आज़ाद कर दे ताकि समाज का सेवा कर सके। जो अपने निषाद समाज का नहीं हो सका, जो मलाह लोगों को ठग लिया जाति के नाम पर, वो किसका हो सकता है? भरोसे के साथ आप उनके साथ गए थे पप्पू यादव की पार्टी को छोड़ के, और आप देखिए पप्पू यादव जनसेवक है, वो नेता है, लीडर है। सहनी के पास जो आप गए थे 2 महीने, मतलब 2 साल रहे भी, 2 महीने पहले आपकी जानकारी हुई, तमाम चीज़ें जो आप अवगत करा रहे हैं मीडिया में आज बता रहे हैं, तो आखिर इसकी क्या चाहते हैं कि मतलब मुख्यमंत्री देखिए मुख्यमंत्री से हम इस मतलब करते हैं कि जांच इस पे हो, उनसे आग्रह करेंगे, हम लोग जाएंगे भी, राजभवन भी जाएंगे, राज्यपाल के पास भी जाएंगे और कहेंगे कि ये बस 109 लोगों का या फिर 1 साल का मुकेश सहनी की संपत्ति का जाँच कर लिया जाए, इसे पता चल जाएगा कितना बड़ा खेला वो कर चुके हैं। अगर चारा घोटाला से बड़ा घोटाला अगर ये नहीं रहा तब आप बताइएगा, मुकेश सहनी जी को जेल जाना पड़ जाएगा इस केस में।
आप देख लीजिएगा जितना बड़ा ये घोटाला है ना, बिना मेरिट का आपको ट्रांसफर कर दिया गया, बिना मेरिट का आपका पोस्ट को बढ़ा दिया गया। पूरे बिहार में उसका भाई संतोष सहनी पूरे बिहार में गाड़ी बांटने के लिए गया हुआ था, किस अधिकार से बांट रहा था उस समय हाजीपुर में, नहीं सुनेंगे आप लोग? सरकारी गाड़ी के बांटने का अधिकार क्या, मंत्री के गाड़ी से उसका भाई चल रहा था, क्या था भैया? मुकेश सहनी से बड़ा अगर आपको ट्रांसफर पोस्टिंग करवाना है, किसी अधिकारी को पटना जाना है, तो आप पैसे दीजिए और आपका पोस्टिंग एकदम जाइए वहाँ पर, वहाँ पे आपको उनका दलाल मिलेगा, ये थी मुंबई का अभिमन्यु नाम है, और भी बहुत से दलाल वहाँ पे मौजूद हैं। अगर उनसे बात आप अगर नहीं पड़ता 19-20 होता था, मुकेश सहनी से बात कर सकते हैं। 2 महीने के बाद आप आवाज़ उठाने, देखिए जब तक मेरे पास प्रूफ प्रमाण नहीं हो जब तक हम नहीं बोलना चाहिए। मेरे पास प्रमाण है, मेरे पास अब सत्य है, अभी तो हम जानबूझ के झांकी दिखा रहे हैं, अभी पिक्चर बाकी है, अभी बहुत सारा सबूत है, ये तो बस दिखा रहे ताकि वो समझ चुके होंगे। अभी बहुत सारा खुलासा करना है जो करेंगे। ये सीधे तौर पे विकास बॉक्सर यादव जी हैं जो तमाम किसी तरह की समस्याओं को छात्र हित से अगर जुड़ा हुआ जो समस्या रहता है आप इनको सड़कों पे देखते होंगे, वीआईपी से ताल्लुक भी रखते हैं, और जिस प्रकार से तमाम ये लिस्ट दिखा रहे हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं, गंभीर आरोप मुकेश सहनी पे लगाया जा रहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पे लाखों करोड़ों रुपए मुकेश सहनी ने कमाने का काम किया। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कैमरामैन पंकज के साथ रोहित यादव, NBC 24 पटना।